नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं, मेटल फिनिशिंग करते हैं मेटल सिरेमिक टीथ में, तो उसमें मेटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पॉन्टिक का। अभी ये एक लोकल लैब से केस बन के आया है, आप देखेंगे तो ये अबटमेंट है और बीच में दो पॉन्टिक हैं। अब इस केस में जो ये पॉन्टिक देख रहे हैं आप, बीच में कट मारा हुआ है, यहाँ पर छेद आया हुआ है एक, आप देखेंगे मेटल जल गया किसी तरह से। तो इस तरह की कंडीशन में जो ये सरफेस देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिरेमिक होल्ड हो पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अभी एक छोटी सी दिक्कत और है इस केस में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑक्लूजल बाइट लगा के। ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो प्रीमोलर का स्पेस है ना, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मोलर का भी स्पेस, तो यानी सिरेमिक के टूटने के चांसेस फुल ऑन है। अब क्या होता है ना कि जो जनरल लैब होती हैं वहाँ पर टेक्नीशियन ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो जो थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए चल पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको याद हो तो मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था, ये केस देखिए आप, इस केस में आपको जो भी पॉन्टिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही राउंडिश है, और जो सरफेस है उसके ऊपर कोई कट नहीं है जैसा इस टीथ में है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इस केस में चांसेस ज़्यादा है कि ये सिरेमिक का ब्रिज है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बजाय इस केस के, क्योंकि इसमें एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्लूजल का और ऊपर से ये कट लगे हुए हैं। तो अगर आप बना रहे हैं इस तरह के दांत, तो आप ध्यान रखें कि जो पॉन्टिक का स्पेस जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा राउंडिश होना चाहिए, ना कि इस तरह से इरेगुलर होना चाहिए। अब एक चीज़ और आप देखेंगे इस केस में, जो प्रीमोलर्स हैं उनका जो जॉइंट है वो इसमें बहुत ही कम है, ये तकरीबन 2 mm से भी कम है, और जबकि एक ब्रिज को अगर स्ट्रेंथ देना है अच्छे से तो तकरीबन 2 से 2.5 mm के बीच में कम से कम होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर की एक थिकनेस होती है। दोस्तों मैं जानता हूँ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये टुकड़े टुकड़े में है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितनी भी लैब्स हैं जो अभी काम कर रही हैं उनके हाथों जो भी काम निकले, डॉक्टर्स को तो भले ही फ़र्क ना पड़े, बट जो पेशेंट है उसके मुंह में वो केस बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाए। बिकॉज पेशेंट को नहीं पता है कि डॉक्टर कौन है, टेक्नीशियन कौन है, वो सिर्फ पैसे देता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने केस को अच्छे से प्रोवाइड करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और आप भी इस तरह से ब्रिज को बनाएंगे आगे। Thank you so much.